हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ड्यू राइडर। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप बढ़िया होंगे सब और होने भी चाहिए। सो गाइस, आज फिर से नए व्लॉग के साथ आपके सामने आया हूँ। और व्लॉग देखिए आज गाइस, जो ये लोकेशन है ना, ये पहले तो बताऊंगा, ये मेरा अपना होम टाउन है जो कि राजौरी से अंदर बढ़ता है रास्ता। और यहाँ पे यार इतना ज़बरदस्त क्लाइमेट है और इतना ग्रीनरी है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं आपको सारे व्यूज दिखाऊंगा और अपनी जो एक विलेज लाइफ है, जो किस तरह से यहाँ पे रहते हैं लोग, क्या काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खेत हैं, खेती बाड़ी भी होती है यहाँ पे, हर एक चीज़ मतलब सिटी से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। और ये मेरा होम टाउन है पर्सनल का, हमारा जब भी यहाँ पे विजिट होता है काफ़ी इंजॉय करते हैं हम यहाँ पे। तो आज पूरा मैं यहाँ का बताऊँगा, स्पेशली आपको पहाड़ों में, जो यहाँ पे पहाड़ भी इतने अच्छे अच्छे और इतने अच्छे व्यूज़ हैं, वहाँ भी जाके दिखाएंगे। और थोड़ा सा मतलब ये डेंजर भी है थोड़ा इलाका, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा मिलीटेंसी होती थी इस एरिया में, तो अब तो चलो थोड़ा कम हो गया। बाकी यहाँ पे जैसे जंगल है काफ़ी, तो यहाँ पे सुना है कि मैंने यहाँ पे जैसे जंगल में भालू शेर वगैरह काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जो जानवर, जो खतरनाक जानवर होते हैं। तो अभी हम पहाड़ चढ़ने वाले हैं। ये देखिए गाइस, आपको मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ कैमरा, आप देखो यहाँ का व्यू पूरा, पहले चारों तरफ से घुमा के दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये देखिए गाइस, ये पहाड़ हमने ऊपर तक जाना है, वहाँ पे दिखाएंगे सब कुछ, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, ये घास का होता है, ये शायद जानवरों के लिए, जैसे गाय के लिए चारा वगैरह ये उसका बनाया होता है। और ये देखिए, ये हमारा ये नीचे घर है, जो हमारा सबसे पहले पुराना घर है, जो हमारे दादू यहीं पर रहते थे, मेरे चाचू, एक दो चाचू यहीं पर रहते, ये घर है। और ये देखिए यार, ये यहाँ से व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त दिखता है। ये देखिए ग्रीनरी, खेत ही खेत हर जगह। और ये देखिए, ये शैतान है, ये यहीं के रहने वाले खतरनाक, ये अपना छोटा तेज, और ये एक और सानवी, बहुत ज़िद्दी है ये। ये देखिए गाइस, और ये देखिए, ये जो ज़मीन दिख रही है सारी हमारे अपने जो रिलेटिव्स की है, मतलब देखिए कितनी ज़मीन है, बिल्कुल ग्रीनरी। और इसमें ये जो लगा हुआ है ये ग्रीन, ये सरसों का, वो जो सरसों लगाई हुई है यहाँ पे, तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है यार यहाँ से। और ये सामने पहाड़ों, मतलब पहाड़ों में ही गिरा हुआ है, आगे पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और हमने जो अभी जाना है, हम यहाँ पे कवर करेंगे, ये जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर, यहाँ से कहते हैं बहुत अच्छा व्यू दिखता है आगे पीछे से पूरा हाइट में, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे। चलो अब हम यहाँ पे ट्रैकिंग करने वाले हैं, तो चलते हैं ऊपर, बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। तो चले हैं छोटे, ये देखो यार, इनको मैंने लाना नहीं था, ये छोटे छोटे आ गए यार, ये तो रोने लगी। मैंने कहा नहीं यार ऊपर कैसे चढ़ना, लेकिन तूने जाना है। हाँ। क्या करना है ऊपर जाके, बोलना क्या करेगी, तूने भी जाना मेरे साथ। हाँ। यार ये बंदा बड़ा खतरनाक बंदा है, ये सुबह सुबह 6 बजे यहाँ पे, तो मतलब जम्मू के मुकाबले यहाँ बहुत ठंड है, जम्मू के मौसम और यहाँ के मौसम को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। तो सुबह ये 6 बजे ही मुझे जगा रहा है, भैया चलो, वो दरिया दिख रहा है सामने, यहाँ पे कह रहा भैया चलो नहाने, इसको लिया मैंने नहाने। तो अभी देखना, जब नहाने लिया मैंने इसका वीडियो बनाया, क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगा आपको। तो तूने क्यों जाना है ऊपर, ऐसे क्या, ऐसे ही क्या मतलब, अब गिर गई गई, देख कितनी पहाड़ी है ऊपर, कैसे जाएगी, चले जाऊंगी, जाती हूँ। अच्छा चले जाएगी, चल फिर यार हम क्या बोल सकते, चले फिर बड़े आगे, चलो गाइस चलते हैं ऊपर, बाकी सारे आप इंजॉय करो, जो भी हमने ऊपर तक जाना है वो टारगेट है हमारा, वहां से व्यूज और दिखाएंगे आपको हाइट पे जाके। तो आप इंजॉय करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, और भाई को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करिए, खुल के प्यार दीजिए, तो आई होप आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, देखिए गाइस कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, चलो चलते हैं आगे, आ जाओ भाई छोटे बच्चों, वो कहाँ है जिम्मी, कहाँ है, एक हमारा और पार्टनर था बट वो अभी आया नहीं, चलो बाद में दिखाएंगे आपको, चलते हैं आगे, आ जाओ लेट्स गो, ध्यान से चलना है यार, ऊपर शेर भी रहते हैं पता है, बालू है, क्या क्या बोल रहा था भैया, कौशल भैया क्या बोल रहा था, आवाजें आ रही हैं यहाँ से, किस साइड से रास्ता, चलो 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 ध्यान से यार, यहाँ कांटे भी पड़े हुए,
ये बंदा बड़ा तेज है, ये जितना छोटा है ना उतना खतरनाक बंदा है ये। हाँ तू भी ध्यान से भाई, काफी चढ़ाई है यहाँ पे। देखिए गाइस कितना मजा आ रहा है यहाँ। ये हमारी विलेज लाइफ है और यहाँ का किस तरह से इंजॉय होता है वो सारा इंजॉयमेंट करेंगे हम। बहुत ही जबरदस्त नजारा है यहाँ का। किस साइड से चलना है, यहीं पे? यहाँ से, इस साइड से भी है। गाइस आपको मैं एक चीज बताऊं, मतलब आज से लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे उस टाइम इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी हुआ करती थी, हमें डर लगता था तब यहाँ पे, कसम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता था हमें। तो अब तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है, फिर भी डर तो अभी भी होता ही है यार, क्योंकि हिली एरिया और राजौरी, जो हमारे जम्मू कश्मीर का एक अलग से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जम्मू का हिली एरिया में पड़ता है, और डर तो लगता है, सांस भी चढ़ रही है गाइस, चढ़ाई बहुत है। वो वहां पे जाना है, ओए ध्यान से चलो, गिरना मत। ये देखिए गाइस कितना जबरदस्त है, ये देखिए पेड़, और ये जो पेड़ है ना, इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो बहुत कीमती होती है, काफी दरवाजे जो भी घर के दरवाजे खिड़कियों में ये बहुत काम आती है इनकी लकड़ी, और ये बिकती है, इनका बहुत प्राइस होता है, तो ये बेचते भी हैं हमारे रिलेटिव्स में, जैसे कोई भी बेच सकता है ना, काफ़ी अर्न करते हैं बेच के। देखिए ओह चढ़ाई बहुत है यार, गांव का भी एक अलग ही मज़ा होता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है यार यहाँ पे, एक फ्रेश एयर। मैं देखो हर बार बोलता हूँ कि एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली ग्रीनरी। देखिए यहाँ से ऊपर आई, यहाँ से देखिए कितना जबरदस्त दिख रहा है, वो रहा हमारा का, वो आगे आगे बढ़ रहे हैं ऊपर और बढ़ते जाएंगे। ये देखिए गाइस ऊपर आगे देखो यार, ये तो और एरिया आ गया। अच्छा गाइस ये देखिए कितना जबरदस्त है, देखिए गाइस यहाँ पे देखो बकरियां गायें सब, भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक चराने आए हुए हैं, ये शायद यहीं पे रहते होंगे। और भैया क्या हाल है आपका, और कहाँ रहते हैं भैया आप? पहुंचे तो ये अलग से पहाड़ी दिखने लगी, ये मतलब नीचे से जितना पास दिखता है ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये और दूर दूर होता है, मतलब पहाड़ियों के साथ अलग अलग पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो ये डिस्टेंस बढ़ता रहता है। और ये देखिए यहाँ पे ये कितनी सारी भेड़े हैं, बकरियाँ यहाँ पे देखो, ये चल रहे हैं, और ये भैया बैठे हुए हैं यहाँ यहीं के रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं, ये सब पूछते हैं। और भैया क्या हाल है आपका, भैया क्या नाम है आपका? फैज। कहाँ पे रहते हैं भैया? बैठ जाऊँ मैं भी यहाँ पे? चलो जी बैठ जाते हैं यार। भैया बड़े अच्छे दिख रहे हैं, मस्त लग रहे हैं यहाँ पे, इनको यहाँ पे आदत होती है रहने की। और देखिए आप भैया, ये आपकी बेड़े वगैरह हैं? अच्छा ये देखिए, ये भैया की सारी बेड़े हैं, देखिए जहाँ नजर जा रही है वो देखिए ऊपर तक पहाड़ियों में, जहाँ भी दिख रहा है वहाँ इनकी बेड़े ही बेड़े दिख रही हैं। ओ यार भैया कितनी बेड़े हैं आपकी ये? अच्छा 30-40 बेड़े हैं। तो आपका भैया कहाँ पे है डेरा? अच्छा ये ऊपर पहाड़ी में गई। देखिए गाइस इनका जो भैया का घर है यही ऊपर है गई, तो ये काफ़ी इन्हें अच्छा लगता आपको। आप यहाँ पे जैसे रहते हैं आप, मतलब जैसे मैंने सुना ना, जैसे कहीं कश्मीर में भी जाते हैं कुछ? अच्छा कश्मीर में कब जाते हैं आप? अच्छा गाइस ये गर्मियों में, जब गर्मी आती है तो ये कश्मीर में चले जाते हैं। और भैया कश्मीर किस तरह से जाते हैं आप? ओ गाइस देखिए भैया पैदल जाते हैं, मतलब सोचो यहाँ से पहाड़ों से जाते हैं आप। गाइस देखिए यार भैया, जब गर्मी आती है तो ये कश्मीर तक पहाड़ों से, जैसे ये इन्हीं पहाड़ों को कवर कर करके पूरा, ये जो पहाड़ है ये लास्ट कश्मीर तक जाते हैं, ये पूरे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो चल चल के ये कश्मीर तक जाते हैं, सोचो कितना पैदल चलना पड़ता है भैया। तो उसमें ऐसे कितना टाइम लगता है आपको?
अच्छा, एक महीना लग जाता है। तो ये जो आपके ये भेड़ बकरियां ये भी साथ में ले जाते हो, तो ये ऐसा नहीं होता कभी कि कोई घूम जाए कहीं आगे पीछे हो जाए? अच्छा, तो ऐसे आपको तो ऐसे बड़ा मजा आता होगा ना, साथ में एंजॉय भी करते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे आप रहते हैं, तो आपका जैसे गुजारा मतलब किस तरह से आप सरवाइव कर रहे हैं, मतलब कैसे गुजारा होता है आपका? अच्छा, इनके साथ रहना पड़ता है आपको। तो जैसे आपको जैसे खुद के लिए आप किस तरह से आपका दिन निकालते हैं, जैसे आपको कुछ कमाना हो आप क्या काम वगैरह करते हैं? अच्छा, ये गाय, अच्छा गाइज, इनके पास इतनी भेड़ बकरियां होती है कि मतलब इनको काम करने की इतनी जरूरत नहीं, बस इन्हीं को ये बेच सकते हैं। जैसे इनकी भेड़े होती हैं, इनका ये जैसे रुई वगैरह इन्हीं से आप निकालते हो ना, इनका ये जैसे शीप का होता है, इनका रुई इनसे बनता है काफी, आपने सुना होगा, तो उसको बेच के भी ये काफी अर्न कर लेते हैं। तो मतलब इनका ये इस तरह से सिस्टम चलता है। बाकी पहाड़ों में ऐसे मजा आता है आपको रहने का? ये और ये भी अच्छी बात है यार। तो कश्मीर भी आप मतलब सर्दियों में कश्मीर जाते हो? सॉरी, गर्मियों में जाते होंगे ना सर? अच्छा, तो आपको ऐसे डर नहीं लगता ऐसे पहाड़ों में भी? आदत हो गई है नहीं? चलो यार सही है भैया, बहुत। गाइस देखिए यार कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। वहां से हम ऊपर चढ़ के आए थे और यहाँ से देखिए फिर से डाउन, नीचे यहाँ भी एक दरिया दिख रहा है, फिर से वहां से पहाड़ी, वो देखिए पहाड़ियां ही पहाड़ियां आगे पीछे। और ये देखिए भैया ये अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह से पुकारते हैं। भैया ये आप जो इस तरह से कर रहे हैं इसका क्या मतलब क्या होता है? अच्छा, ये समझ आती है, मतलब ये भैया कह रहे हैं जैसे ये अपनी सीटी, आप करके दिखाना जैसे किसी। देखिए गाइस, देखिए कितना सही करते हैं यार भैया। ये कह रहे हैं कि अगर बकरियां इनकी कहीं आगे पीछे चले जाएं तो ये इस तरह से आवाज करते हैं तो वो समझ आती है। तो वो देखिए गाइस इनका कितना अच्छा ये तरीका होता है एक, बाकी इनकी एक बहुत ही अलग सी लाइफ है। और ये देखिए ये किस तरह से जीते हैं मस्त हो गए। तो भैया यार यहाँ बात सुनिए, यहाँ पे पहले जब हम आते थे ना 10 साल पहले, हम यहाँ पे बहुत डरते भी थे, ऐसे मिलिटेंट वगैरह काफी होते थे, है ना? अब कम होते हैं भैया। हाँ, पहले हमने सुना है कि जैसे हमारे भी कहीं रिलेटिव्स रहते थे ना जो पुराने टाइम में, उनके ठिकाने में आते थे, खाना पीना खाना होता था, है नी? तो इस तरह से देखिएगा ये भी एक टाइम था, देखो किस तरह से रहते होंगे तब, मतलब जैसे जब कोई आ जाए अचानक से रात को अपने घरों में। तो हर एक टाइम, अब टाइम टाइम की बात होती है, तो देखिए ये भी एक लाइफ होती है। बाकी ये देखिए भैया किस तरह से बुलाते हैं ना, देखिए ये घोड़ा भी है इनका भाई, ये देखिए गाइस इनका घोड़ा, मजा आ रहा है सनवी, मजा आ रहा है यहाँ पे? ये देखिए गाइस घोड़े भी आए यहाँ पे, कितने बैठ रहा मगर लो मारेगा दूसरा मत कर, ये कह रहा कि घोड़े के ऊपर बैठना है। ओए दूसरा मारेगा घोड़ा मत कर उसे, ये देखो शैतान घोड़े की सवारी करनी है, टांग मारते हैं पता है, मत करो वो, आजा रहन दे। गाय यार कसम से यार इतना जबरदस्त फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस देखा आपने यार कितना जबरदस्त व्यू था यहाँ पे, क्या नज़ारा है, और जो ऊपर भैया मिले उनसे बात करके कितना अच्छा लगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे सरवाइव करते हैं, और ये देखिए नीचे कितने खुश लग रहे हैं, ये देखिए ये छोटी, ये भी जम्मू से है, तो वो दूसरा रजौरी में रहता है और बहुत खुश है यहाँ पे आके, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई सिटी से गांव के एरिया में आता है तो फुल इंजॉय होता है। और बस अब तो हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे जाना हमें नीचे, होप आपने इंजॉय किया होगा। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को क्या करना है सनवी? सब्सक्राइब, और क्या करना, लाइक कमेंट शेयर। चलो फिर कर दे क्लोज ब्लॉग, इधर करें क्लोज, ओके गाइस हम ब्लॉग।